साबिक MPA ताहिर नवीद चौधरी एडवोकेट, चेयरमैन पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन मिनॉरिटी विंग सरगोधा चौधरी याकूब जलाल रंधावा का चक नंबर 135 जनूबी तहसील सलाम वाली का दौरा, मसीही नौजवान पर तशद्दुद और घर पर फायरिंग करके वाकया की सख्त मजम्मत और भरपूर एक्शन लेने की यकीन दहानी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज मसीही कम्युनिटी के नौजवान एहतशाम वल नेक मसीह सखना चक नंबर 135 जनूबी तहसील सलाम वाली को मोबाइल के लेन देन के तनाजा पर कादिर वल्द अब्दुल रहमान कौम गुजर, हसनैन वल्द अकरम कौम गुजर हमरा 5 का नामालूम अफराद ने पहले शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर तैश में आकर एहतशाम के घर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाका में मौजूद मसीही कम्युनिटी में शदीद खौफ व हरास फैल गया। एहतशाम ने पुलिस को कॉल की, जिस पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। वाकये की इत्तला मिलते ही साबिक MPA ताहिर नवीद चौधरी एडवोकेट और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन मिनॉरिटी विंग सरगोधा चौधरी याकूब जलाल रंधावा और दीगर मसीही कम्युनिटी के लोग मौका पर पहुंच गए और मुतासरा खानदान की दादरसी की। ताहिर नवीद चौधरी एडवोकेट ने इस मौका पर मुतासरा खानदान को यकीन दहानी करवाई कि आपसे होने वाली ज्यादती का कानूनी तरीके से भरपूर अजाला करवाया जाएगा, मैं और मेरी टीम आपके साथ है। उन्होंने कहा है कि मसीही कम्युनिटी से किसी भी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाकिस्तान के हर फॉर्म पर इनके लिए आवाज़ बुलंद की जाएगी।